I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management, and staff of StudyIQ. IQ. Namaskar, dosto. दोस्तों जब से एयर पोल्यूशन का मुद्दा उठा स्पेशली दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जब भी दिवाली आती है तो फायर क्रैकर्स को लेकर अक्सर डिबेट होता है कई लोगों का मानना है कि फायर क्रैकर्स जलने देना चाहिए ये एक फेस्टिवल का सिंबल है प्रतीक है और इसको मना नहीं करना चाहिए लेकिन कई सारे लोग हैं सुप्रीम कोर्ट है उनका मानना है कि नहीं फायर क्रैकर्स की वजह से और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है और इसकी वजह से हमें इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए एक्चुअली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में वापस एक पिटिशन आया था और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर है क्योंकि यूजुअली यही धारणा रही है कि दिवाली पर जो फायर क्रैकर्स है उसको बैन सिर्फ दिल्ली में किया गया लेकिन ऐसा नहीं है ये आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट बैन फायर क्रैकर्स अक्रॉस इंडिया तो यहां पर क्वेश्चन यही है कि फिर कौन से फायर

उसका इस्तेमाल फायर क्रैकर्स में नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ यहाँ पर बाकी के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसको फायर क्रैकर्स में इस्तेमाल नहीं किया दिया जाएगा और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं ये पूरे देश की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली हुआ क्या था यहाँ पर एक पिटीशन आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसकी सुनवाई एक बेंच कर रहे थे दैट इज जस्टिस ए एस बोपन्ना एंड जस्टिस सुंदरेश तो यहां पर यह बोला गया पिटीशन में यह बोला गया कि प्लीज आप राजस्थान सरकार को यहां पर निर्देश दीजिए कि राजस्थान के अंदर भी जो फायर क्रैकर्स हैं उसके ऊपर बैन लगाया जाए ताकि जो नॉइस और एयर पोल्यूशन होता है उसको कम किया जा सके और इसी पूरे पिटीशन में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा था कि हमने ऑलरेडी पहले बहुत सारे पिटीशन सुने हुए हैं और उसमें ऑर्डर पास किया है तो वो जो ऑर्डर पास हुआ है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर

ियम सॉल्ट होता है फायर के अंदर उसके यूज को तो कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा फिर इसके साथ रेगुलेशन लाए गए थे और उस समय मैं आपको बता दूं यहां पर ग्रीन का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपका दिवाली के दिन आठ बजे से दस बजे के बीच में ही यहाँ पर क्रैकर्स बर्स्ट किए जा सकते हैं और ईयर और क्रिसमस में ग्यारह पचपन से लेकर साढ़े बारह बजे के बीच में जो जो क्रैकर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2018 में और वही सेम चीज वापस से 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई थी और कहा था कि नहीं बेरियम सॉल्ट वगैरह बहुत हार्मफुल होते हैं नॉइस पोल्यूशन वगैरह भी बहुत होता है तो इसका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाए और इसके साथ साथ 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि अगर इसका वॉल्यूशन होता है तो यहां पर जो भी पर्सनली लायबल होंगे उन, 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 मतलब उनको हम यहां पर पेनल्टी भी लगाएंगे और और इम्पोज भी करेंगे उन सभी लोगों के ऊपर ऑफिशल्स के ऊपर जो इसको कंट्रोल में नहीं करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इसी साल सितंबर के महीने में दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने वाप सुप्रीम कोर्ट के अंदर वापस से फायर क्रैकर मैनुफैक्चर एसोसिएशन का एक पिटीशन डाला गया था और उन्होंने यह कहा था कि आप प्लीज हमें जो बेरियम है उसको अलाउ कर दीजिए ताकि जो फायर वर्क्स होता है वो और ज्यादा बेहतर हो सके बेहतरीन दिख सके लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी चीजें मना कर दी थी और उस पटिशन को रिजेक्ट कर दिया था वैसे यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां पर जो ग्रीन क्रैकर्स है वो अलाउड होगा लेकिन दो में क्या हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उन्होंने तो यहां पर सारे क्रैकर्स के

ऐसा है क्या जिसकी वजह से उसको अलाउ किया गया देखो तो ग्रीन क्रैकर जो फायर होता है दे आर लो एमिशन क्रैकर फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स मतलब जो ट्रेडिशनल जो बॉम्ब्स जो जो फायर फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें आपको सल्फर नाइट्रेट देखने को मिलता है आर्सेनिक हो गया मैग्नीशियम हो गया सोडियम लेड बेरियम ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं लेकिन ग्रीन क्रैकर्स के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती हैं वैसे मैं आपको बता दूं दो में जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसकी जो बॉडी है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एन ई आर आई नीरी तो उन्होंने यहां पर जो ग्रीन क्रैकर्स है उसको डेवलप किया था और तीन प्रकार के ग्रीन क्रैकर्स बनाए थे अलग अलग कैटेगरीज के, के वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन ग्रीन क्रैकर्स एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो पोल्यूशन कम करते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोल्यूशन नहीं करते हैं वो भी पोल्यूशन करते हैं लेकिन यहां पर वो 30 परसेंट लेस पोल्यूशन करते हैं और उसके अंदर यहां पर जो ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होता है और एनवायरमेंट को कम नुकसान करता है और हेल्थ को भी कम नुकसान करता है यहां पर याद रखिएगा ग्रीन क्रैकर्स अगर आपके एग्जाम में आता है कि क्या वो बिल्कुल पॉल्यूट नहीं करता है नहीं ऐसा नहीं है वो भी पॉल्यूट करते हैं लेकिन क्रैकर से वो कम करते हैं फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर कि वो वाटर वेपर रिलीज करते हैं जो ग्रीन हैं वाटर वेपर रिलीज करने से वजह से क्या होता है कि एनवायरमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि पीएम 2.5 अक्सर आप पढ़ते होंगे, तो उस तरह के डस्ट को सेटल कर देते हैं आपने देखा होगा ना कि यहां पर जब भी यहां पर स्मॉग वगैरह बढ़ जाता है दिल्ली में तो यहां पर वाटर स्प्रे वगैरह जैसी चीज़ें की जाती हैं ताकि जो डस्ट है एनवायरमेंट में उसको सेटल किया जा सके और वो हमारे बॉडी के अंदर ना जाए ठीक है तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि ये डस्ट सप्रेसेंट का भी काम करता है जो ग्रीन क्रैकर्स हैं क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर मौजूद रहता है और वो रिलीज कर देता है एनवायरमेंट में फिर इसके साथ साथ जो टॉक्सिक मेटल्स हैं जो कि ट्रेडिशनल क्रैकर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा फिर इसके अलावा यहाँ पर जो नॉइस पॉल्यूशन है ग्रीन क्रैकर्स में वो भी कम होता है जैसे कि अगर हम रेगुलर क्रैक की बात करें उसका जो साउंड है वो 160 सिक्सटी डेसिबल्स के आसपास होता है लेकिन ग्रीन क्रैकर्स अगर आप देखोगे तो उसका साउंड लेवल 110 से लेकर 125 ट्वेंटी डेसिबल्स होता है तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए फिर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चीज है वो है हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट मतलब ट्रेडिशनल फायर क्रैकर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती हैं लेकिन और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर इंपैक्ट आता है जैसे कि जो क्रैकर्स के अंदर लेड का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम इंपैक्ट होता है कॉपर का जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आ, वो इरिटेट होता है इसके अलावा सोडियम जो है अगर फायर क्रैकर्स में इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारे स्किन के इशूज़ को लेकर आएगा मैग्नीशियम जो है वो बेसिकली जो मेंटल फ्यूम फीवर है वो लेकर आता है कैडमियम हो गया वो अनिमिया तो लाता ही है लेकिन इसके साथ साथ जो किडनी है उसको भी डैमेज करता है और इसके अलावा जो नाइट्रेट है वो तो सबसे हार्मफुल होता है क्योंकि ये मेंटल इंपेयरमेंट का बहुत बड़ा कारण है और नाइट्रेट के प्रेजेंस की वजह से जो आईज और स्किन है वो इंपैक्ट होते हैं तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें अगर हम ग्रीन ट्रैकर्स में नहीं डालते हैं तो हमारे हेल्थ का एक तरह से प्रोटेक्शन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम बात करें ग्रीन क्रैकर्स के तीन तरह से बेसिकली इसको तीन ब्रॉड कैटेगरीज में आ, 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 लाया गया है मतलब जो जो ने ये ग्रीन क्रैकर्स बनाया उसको आप देख सकते हो एक है स्वास, दूसरा है सफल और तीसरा है स्टार एक एक करके मैं आपको बता देता हूं ये अलग अलग कैटेगरीज के स्वास की अगर हम बात करें तो यह सेफ वाटर रिलीज मैंने आपको बोला था ना ग्रीन क्रैकर्स में से वाटर वेपर रिलीज होता है तो ये जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं उसमें स्मॉल वाटर पॉकेट होता है तो जब ये बर्स्ट होता होता है तो उसकी वजह से वे, वेपर फॉर्म होता है और इसकी वजह से वो जो जो डस्ट वगैरह उसको सप्रेस कर देता है सेटल कर देता है तो ये अच्छा होता है एक तरह से फिर इसके अलावा यहां पर जो स्टार है सेफ थर्माइट क्रैकर सेफ थर्माइट क्रैकर में आपको पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर मैटर है वो रिलीज नहीं होते हैं उतना जितना ट्रेडिशनल वाले क्रैकर्स होते हैं जब हम सल्फर और नाइट्रेट की बात करते हैं तो आपको पता है ना डीजल व्हीकल वगैरह पर क्यों बैन लगाया जाता है क्योंकि उससे बड़ी मात्रा में नाइट्रेट वगैरह निकलता है सल्फर निकलता है तो इसी की वजह से वो आपका पीएम टू वगैरह में कन्वर्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं लेकिन ये वाला जो ग्रीन क्रैकर है स्टार उसके अंदर आपको यह देखने को नहीं मिलेगा फिर सफल क्या है इट इज सेफ मिनिमल अल्यूमिनियम मतलब कि यहां पर मिनिमम यूज होता है अल्यूमिनियम का और इसके अंदर मैग्नीशियम बेसिकली यूज किया जाता है और जिसकी वजह से नॉइज कम आपको देखने को मिलेगा ठीक तो है तो अल्यूमिनियम जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स में उसमें नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है लेकिन यह वाला जो है इसके अंदर पोल्यूशन कम से कम होता है ठीक है तो यह है आपका ग्रीन क्रैकर्स अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल स्टेट में क्या इंपोज किया गया है रेस्ट्रिक्शन देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आया था लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे और बाद में भी तो कई राज्यों ने खुद

में डालता रहता हूं बाकी अगर आपको पीडीएफ पर आइए अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप तैयारी कर रहे हो, अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप की आपको पसंद आया होगा मिलता हूं अब तैयारी हुई अफोर्डेबल